हाय फ्रेंड्स, मैं उदय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जिन लोगों को प्रमोट कर दिया गया है उनको छोड़कर और जिन लोगों को प्रमोट नहीं किया गया है उन सारे, जैसे बीटेक वाले हो गए और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं उन लोगों को प्रमोट नहीं किया गया है, ग्रेजुएशन वाले को नहीं किया गया है, तो इसलिए उन लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो ऑनलाइन मोड में होगा और ये भी बताया गया है कि उनका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। तो उन लोगों को किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार क्या आएगा, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों को बारे में जानने के लिए। एमसी टाइप क्वेश्चन को हम कहाँ से रीड करें, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और हमें बताइए। तो हम देखते हैं कि कहाँ इन एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को हम ऑनलाइन मोड में टेस्ट भी दे सकते हैं अपने आप। तो एक वेबसाइट है जो है करियर रीड नाम से। तो इस वेबसाइट को सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये बहुत अच्छी जो कि हमारा वेब है। तो इस वेब में आपको हर प्रकार की एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे इंटरव्यूज रिलेटेड और एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीडी के लिए और प्लेसमेंट के लिए, एचआर के लिए, करंट अफेयर, इंजीनियरिंग, एमसीए, एमबीए, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो हमें जैसे कि इंजीनियरिंग में देखना है, इंजीनियरिंग के लिए, तो हम इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन मान लो हम कर रहे हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर 2268 क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किए गए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। और उसके बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कितने क्वेश्चन हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कितने क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर साइंस और आईटी के, फिर इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, ये सब टेस्ट जो हैं ये टेस्ट हैं। और देन उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे ये टेस्ट के लिए दिए हैं, देन आप इंटरव्यू के लिए देख पा रहे होंगे कि जैसे सिविल इंजीनियर के लिए इंटरव्यू, और ये हम आपको एक बार ओपन करके दिखा दे रहे हैं जैसे कि किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे ये है। आप कौन सा सेट चूज करेंगे, कोई भी एक सेट लेकर आप चूज कर सकते हैं और आप दे सकते हैं टेस्ट। ये हमारे देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको यहाँ पर आंसर होगा और एक्सप्लेन भी किए होंगे, रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए होंगे इससे, ठीक है। इस प्रकार के हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इस पर जाके अच्छे से ट्राई करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि आप लोग अच्छे से मार्क गेन कर सकें। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और ये जैसे देख पा रहे हैं आप कि सैम्पल प्लेसमेंट पेपर आईटी वालों के लिए क्या, जैसे है कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर मतलब पेपर दिए हुए हैं इस तरह के, सीज के दिए हैं, सी शार्प, सी प्लस प्लस के दिए हैं और सी शार्प नेट, डॉट नेट के लिए दिए हैं, जावा, डाटाबेस के लिए, सबके लिए मतलब यहाँ पर ये जितने भी हैं ये हैं आईटी और सीएस वालों के लिए हैं। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि आपको जीडी एचआर की तैयारी करना है, प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि वेबसाइट के बारे में जानते हैं या पढ़ाई इससे करते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट ही है careerread.com से। उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इससे हम भी करते हैं ट्राई, पढ़ाई करते हैं इसी से, आप लोग भी को हम सजेस्ट करेंगे कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, एक बार देखिए।
हर प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके सहयोग के लिए। देन उसके बाद में मेरी आप मेरा चैनल आप जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।